हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल एवी बॉक्स ऑफिस में एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गोविंदा सर जी की न्यू फिल्म के बारे में। तो दोस्तों अगर आपको जानकारी नहीं है तो जानकारी प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें आपके भाई का चैनल एवी बॉक्स ऑफिस और साथ ही साथ में ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक करें। उससे क्या होगा, जब भी हम गोविंदा सर जी की लेटेस्ट अपडेट आपके लिए लेकर आएंगे तो उस वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएगी शुद्ध हिंदी में सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हम गोविंदा सर जी की न्यू फिल्म के बारे में। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा गोविंदा सर के बारे में। आप सभी को पता है कि गोविंदा सर जी का एक टाइम का ऐसा टाइम था कि जब वो सुपरमैन की तरह हवाओं से बातें करते थे। जी हाँ दोस्तों, उनके हर फिल्म में हिट होती थी, सुपर डुपर हिट होती थी। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, उन्होंने फिर फिल्म इंडस्ट्री से तकरीबन 2 से 3 साल का गैप लिया और राजनीति में गए। और फिर वहाँ से जब वो वापस लौटे, उन्होंने फिर से फिल्म इंडस्ट्री के अंदर अपना पाँव रखा। उन्होंने हम सबके लिए तकरीबन 9 फिल्में बनाई, 9 में से 4 फिल्में ही हम सबके बीच में आ पाई और 5 फिल्मों को तो सेंटर बोर्ड ने पास भी नहीं करा और काफ़ी सारी फिल्मों को स्क्रीन भी नहीं दी गई। जी हाँ दोस्तों, आपको ये लगा होगा कि उन्होंने अपनी फिल्में बनाना छोड़ दिया, बट ऐसा कुछ भी नहीं था, वो तो अपना कार्य हमेशा करते आए हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि उनकी एक और फिल्म हम सबके बीच में आने वाली है, रन भूला रन। जी हाँ दोस्तों, उस फिल्म में नजर आएंगे गोविंदा सर जी, निराज वोरा जी, तुषार कपूर जी और अमीषा पटेल जी। जी हाँ दोस्तों, अमीषा पटेल भी इस फिल्म में नजर आने वाली है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म की अभी तक पूरी जानकारी निकल के नहीं आई है, जैसे कि इस फिल्म का बजट कितना है और इस फिल्म को कहाँ कहाँ लॉन्च करा जा रहा है या फिर कितनी जगहों पर लॉन्च करा जा रहा है या तो फिर कितनी स्क्रीनों पर इस फिल्म को लॉन्च करा जा रहा है। अब जब इसकी पूरी डिटेल निकल के आएगी तो सबसे पहले डिटेल हम आपको इस फिल्म की देंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें बिना ना जाएं। जब तक के लिए मैं अलविदा चाहूँगा आप सभी से अपने अगली वीडियो के लिए। जब तक के लिए ध्यान रखें अपना और अपने माता पिता का। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।